कम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाला है जो बिहार इंजीनियरिंग में जो आप लोगों का एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब एडमिशन के जस्ट बाद आप लोगों को कॉलेज जाना है और वहाँ पे एक इंडक्शन प्रोग्राम होती है, इंडक्शन प्रोग्राम को अटेंड करना है। देन उसके बाद से आपको कॉलेज के लिए जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें वो आपको खरीदने होंगे। उसके बाद से कॉलेज में आपको फाइनली शिफ्ट हो जाना होगा और कॉलेज में आपकी क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि सभी को नोटिफिकेशन आ चुका था, मैंने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे चुका था कि 20 तारीख से अगले महीना, मतलब कि ये महीना के जस्ट 20 तारीख जो बाद आएगा इस अगले मंथ में, उस 20 तारीख से सारे कॉलेज के क्लासेज वगैरह स्टार्ट करने के यूनिवर्सिटी का ही नोटिफिकेशन निकला था। बट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन तो वो फाइनल रिजल्ट था कि इतने डेट को आपका क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो गया। बट उसके पहले जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है वो अपना अपने तरीका से अपने कन्वीनियंट के अनुसार अपना एक लिस्ट निकालते हैं क्लास स्टार्ट करने की डेट और इंडक्शन प्रोग्राम की डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी होने वाली है। तो इसी सिलसिले में आपको एक चीज़ और जानकारी ले लेना चाहिए था कि कॉलेज में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है जो आपको नेसेसरी चीज़ें पढ़ने वाली रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको कैलकुलेटर का एक व्यवस्था करना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर क्या होती है, कैलकुलेटर कैसे चलती है, कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शन होती है, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। बट बताते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर आपको एक जरूरत पड़ेगी, वो कैलकुलेटर आपको खरीद लेना है। वो कैलकुलेटर के दाम कितने हैं, तो देखो 1000 के आसपास पड़ेगा भाई, थोड़ा महंगा आता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर उसका नाम होता है, ठीक ना, काफ़ी लोग इसको KCO भी बोलते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, अपने आसपास के स्टोर में मिल जाता है, वो खास करके पटना मिल जाएगा, लोकल गांव और शहर में नहीं मिलता है। इन जनरली आपको पटना मिलेगा या जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के नियर अबाउट मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो कॉलेज के नियर अबाउट ही मिलेगा या तो पटना में मिलेगा। तो देख लीजिएगा, या तो आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस कैलकुलेटर का जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, कैलकुलेटर होती कैसे, क्या है, कैसे पूरा फंक्शन आप लोग देख लेना। और बात करें कैलकुलेटर दिखती कैसे, तो इधर मैं आपको लगा दूंगा इमेज वगैरह, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो ये बात हो गई कैलकुलेटर की जो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कैलकुलेटर की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय आपका कैलकुलेटर आपको लगेगा ही लगेगा। और देखिए, बात करें कि कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ है या नहीं है, तो देखिए सिंपल बात है, जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो कैलकुलेटर आपके एग्ज़ाम हॉल में भी अलाउ होती है। आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम का सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। वहीं है कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होती है, लेकिन अगर गेट का पेपर दे रहे हो या ESC का पेपर दे रहे हो तो उसमें जो प्री होती है उसमें आपको जो है कि कैलकुलेटर अलाउ होती है, वो भी वर्चुअल कैलकुलेटर होती है। वर्चुअल कैलकुलेटर एक अलग कैलकुलेटर होती है जो कि सिस्टम में इनबिल्ड होती है, वो वर्चुअल कैलकुलेटर होती है। लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको सेमेस्टर एग्जाम में लगती है, वो एक अलग होती है। दोनों के फंक्शन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होती है, लेकिन लुक और फंक्शन लगभग सेम होती है। तो वो देख लेंगे हम लोग जब गेट आउट की बात करेंगे प्रॉपर, तो देख लेंगे। लेकिन ये कैलकुलेटर की जो बात थी वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके सिवाय जो है कि आपका सेकंड चीज़ लगता है वो है आपके पास ड्रेस। देखिए, ड्रेस कोड काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ड्रेस ले, कौन सा कॉलेज में क्या ड्रेस चल रही है, नहीं चल रही है। देखिए, सारे कॉलेज का सेम ड्रेस होती है, वो जो सेम ड्रेस है आपको स्क्रीन पे इधर मैं दिखाता हूँ, इसको देख लीजिए और यही ड्रेस आपको बाय करना है। इसके सिवा कुछ और ड्रेस नहीं चलती है बिहार इंजीनियरिंग में, यही ड्रेस चलती है, सभी लोगों को यही ड्रेस आपको बाय कर लेना है। ड्रेस के लिए देखो, ड्रेस आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप सीधा शॉर्ट पैंट की तरह इसी रंग रूप में इसी स्ट्रक्चर में खरीद लो, या तो अदरवाइज आप ऐसा करो कि इस कपड़ा खरीद के आप सिलवा लो। तो ये जो है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ड्रेस जो है कि आपको पहनना पड़ेगा। एक साल तो एटलीस्ट आपको ड्रेस पहना जाता है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट सारे लोग ड्रेस पहनते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद से जैसे आप सेकंड ईयर में जाते हो, आपके जूनियर आते हैं, तो शायद आप ड्रेस पहनना बंद कर दो, लेकिन एक साल के लिए आपको ड्रेस मैंडेटरी रहेगा सारे कॉलेज में। तो ड्रेस आप लोग बाय कर लीजिएगा, ड्रेस का कोड वहीं गर्ल्स बॉयज़ जो भी है मैं दोनों स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपको 1500 से 2000 के अंदर में आपका बन जाएगा ड्रेस, तो आप इसको ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके पास बुक, कि आप पढ़ने तो जा रहे हैं कॉलेज में, अब पढ़ने के दौरान हमको कौन कौन सी बुक चाहिए और बुक का हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, बुक के लिए आपको सिंपल घबराना नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और PPS और आपका ED मतलब ड्राइंग पढ़ना होता है, मेनली यही सब पेपर होती हैं। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपके पास होती है एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें बुक है, ठीक ना, जो भी आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी बुक है वो सारे के सारे बुक अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपको इजिली मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई नीड नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में। अगर एक्स्ट्रा आपको खरीदना है तो ऑर्गेनाइजर खरीद लीजिए, PYQ का क्वेश्चन खरीद लीजिए, ये सब खरीद सकते हो, बट बुक खरीदने की कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रांच है वो ब्रांच आपको पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन होती है सबके लिए, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है। और जैसे आप फर्स्ट ईयर को पार करके सेकंड ईयर में जाओगे तो वहाँ से आपके ब्रांच पेपर स्टार्ट होती है, तो वो ब्रांच पेपर आपको कंपटीशन में भी यूज होती है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर बुक खरीदना है।
बट फर्स्ट ईयर के लिए आपको कोई नेसेसरी बुक नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉमन होती है, सबको पढ़नी होती है और कॉलेज में ईजिली अवेलेबल है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक की मैंने बात कर दी। इसके सिवाय जो और चीज़ें लगेगी वो आपके पास ड्राफ्टर लगेगी। जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आपको ड्राफ्टर चाहिए। ड्राफ्टर में आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ कि ड्राफ्टर कैसे होती है। ये ड्राफ्टर आपको जो है कि 900 या 1000 के आसपास ये भी पड़ता है, इसको भी आप लोग बाय कर लीजिएगा। ये बाय जैसे आप लोग कर लोगे तो इससे आप लोग ड्राइंग बना पाओगे, ठीक है, अपने कॉलेज में। उसके साथ आपको जो है कि रबर पेंसिल और ये कटर की जरूरत पड़ेगी। उसके सिवाय एक ड्राइंग शीट की जरूरत पड़ेगी, वो ड्राइंग शीट में आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये बड़ा सा एक ड्राइंग शीट होती है, इस ड्राइंग शीट पे आपको ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको लगभग मिलती है कॉलेज में, जाने से पहले आपको ले लेना चाहिए था। ये सारा चीज़ आप लोग ले लीजिएगा और रेडी हो जाएगा और कॉलेज जाइएगा। और इंडक्शन प्रोग्राम क्या है, कैसे अटेंड करना है, कौन सी जगह पर इंडक्शन प्रोग्राम किस तरीके से होती है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगे, एक वो हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इंडक्शन प्रोग्राम में वो चीज़ें आपको कंफर्म पता चल जाएगी। बट फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑल जो चीज़ें हैं नेसेसरी जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले आपको लेने हैं, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं और आपको क्लियर भी कर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होगा, बहुत सारे कॉलेज का 9 से 8 से 10 से शेड्यूल कर दिया गया, तो उसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे कि इंडक्शन प्रोग्राम एक्चुअली होती क्या और कैसे इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना है, अटेंड करना जरूरी भी है या नहीं जरूरी है, इसके ऊपर कंप्लीट बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में।